हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हमारी लास्ट क्लास से आगे की। लास्ट क्लास में हमने चेन रूल पढ़ा था और चेन रूल्स का हमने डायरेक्ट मेथड भी अल्टरनेटिव मेथड भी हमने डिस्कस किया था। अब हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो हमारा बेसिक है इस चेन रूल का, ठीक है। चेन रूल हमें अच्छी तरह आना चाहिए तो उसका एक कंसेप्ट और पढ़ रहे हैं हम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो इस तरह से किए थे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ex पावर 12। अब इसको कैसे करना था डायरेक्ट, देखिए dy बाय dx, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेसिकली x पावर n, तो 12 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ex पावर 11। और जिसे हमने x अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ex, ठीक है। तो यहां पर ये एज इट इज 12 एक्स स्क्वायर प्लस ex पावर 11 और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस ex, और ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा dy बाय dx का। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ओके। अब हम बारी करते हैं इसके, इसी चेन रूल से रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें वेरिएबल के बिहाफ पर हम इसको अप्लाई करेंगे, और अगर वो समझ में आ गया तो हमारा काफी कुछ ये क्लियर हो जाएगा, ओके। अब देखिए, हम इसी क्वेश्चन को करते हैं इसमें, और जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ex, कंसेप्ट यही है बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहां देखिए y इक्वल है, यहां क्या है y इक्वल, और यहां पर क्या है d अपॉन dx है, ठीक है। यहां पर y इक्वल है, यहां पर क्या है d अपॉन dx। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए करने का प्रोसेस वही है, बस ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो यहां पर वही x पावर n है तो क्या होगा x और इसकी पावर n माइनस n x n माइनस 1 और d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ex। तो सॉल्व कीजिए 12 x स्क्वायर प्लस ex पावर 11 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस ex, ठीक है। देखिए आंसर में कोई चेंज नहीं है, आंसर दोनों तरीके से क्या आ रहा है सेम टू सेम आ रहा है, ये भी वही आंसर है और ये भी वही आंसर है, बस इसमें जो हमने समझना है वो भी आगे आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको हर शीट मिल जाएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो वो शीट आपके पूरी सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर है, इसको मैं एक बार और वापस रिपीट करता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, वैसे ये वाला पार्ट तो नोट हो ही रहा है, इसको और नोट कर लीजिएगा, एक बार और मैं इसको उधर रिपीट कर रहा हूं, ओके। दूसरे क्वेश्चन के साथ देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन है d अपॉन dx ऑफ e पावर x प्लस साइन x पावर माइनस 10। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एज इट इज वही का वही n x n माइनस 1 तो n x n माइनस 1 और जो x के प्लेस पर आता है उसका d अपॉन dx हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बस सिंपल, हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही सारी चीजें करनी है। तो माइनस 10 ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 11। अब इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, सिंपल ई एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आंसर आ गया। अगेन एक और देखिए, थोड़ा दूसरा फॉर्मूला लेते हैं बेसिक, डी अपॉन डी एक्स जैसे ई पावर एक्स की पावर 5 प्लस 10x ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर बेसिकली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ई पावर एक्स का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ई पावर एक्स का। तो ई पावर एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स का एज इट इज ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहां पर x के प्लेस पर क्या आ गया, ये पूरा कुछ आ गया, x के प्लेस पर क्या आ गया ये पूरा, तो वही इसको x की तरह अज्यूम करेंगे, तो e पावर x का क्या होगा e पावर x, और जिसे x अज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या करना है मल्टीप्लाई,
कर दिया, बस ये एज इट इज। इसका 5x4 और 10x का sec स्क्वायर x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं इसी वैरायटी का क्वेश्चन नंबर 3। डी अपॉन डी एक्स 5 की पावर e पावर x प्लस log x। अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a पावर x log x वाला। ठीक है, a पावर x वाला सीधा सीधा हम बोले तो a पावर x का क्या होता है, a पावर x log a टू द बेसी। तो x के प्लेस पर क्या आ गया, ये सब कुछ। तो वही इसका एज इट इज करना है, क्या होगा a पावर x का a पावर x और कांस्टेंट का log टू द बेस e, और जिसे x अज्यूम करा उसका डिफरेंशियल पार्ट क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 5 e पावर x प्लस log x डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। log x ध्यान रखना वीआईपी कैटेगरी का होता है, तो इसके लिए आप ब्रैकेट यूज करें तो बहुत बढ़िया है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर x प्लस 1 अपॉन x, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, ये वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए हमने वाला कंसेप्ट सीखा, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं इस तरह के नोट्स, डीपीपी मतलब डीपीपी मान लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मान लीजिए, वो आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स आपको जल्दी से जल्दी देना है। ये वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि हमें बेसिकली चेन रूल का ही एक तरीका और कंसेप्ट ये समझना था। अगर ये बेसिकली हमें समझ में आ गया तो फिर आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।